नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर में अजनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर, जो कि टुकड़ो जी पुतला स्क्वायर के पास है, वहां एक और अवैध ऑनलाइन लॉटरी सेंटर का खुलासा बीसीएन ने किया है। और आगे भी इस तरह के शहर में जितने भी अवैध ऑनलाइन लॉटरी सेंटर चल रहे हैं, हर एक खुलासा बीसीएन अब तक करता रहेगा, ताकि जिससे जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं और गरीब और बर्बाद ना हो। नमस्कार, मेरे पीछे आप देख रहे हैं राजश्री पेपर लॉटरी, और उस पर लिखा है कि सरकारी लॉटरी बिक्री केंद्र पेपर लॉटरी टुकड़ो जी पुतला। टुकड़ो जी पुतला का हनुमान नगर इसे कहा जाता है। और ख़ास बात यह कि सरकारी लॉटरी लिखा है। अगर सरकारी लॉटरी है तो फिर इसका GST नंबर कहाँ है इसमें, और इस पे किस स्टेट अथॉरिटी के अंदर में ये अवैध लॉटरी का काम चल रहा है, उसकी जानकारी कहाँ पे है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नागपुर में आए दिनों हमेशा देखने को मिलती है कि अवैध लॉटरी का काम बड़ी तेज़ी से शुरू है, और जिसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे पीछे आप देख रहे हैं टुकड़ो जी पुतला के पास का हनुमान नगर में। दोस्तों, अगर किसी भी लॉटरी के पेपर पे अगर उस पर GST नंबर नहीं है, स्टेट अथॉरिटी का नाम नहीं हो, तो उसे अवैध, पहली बात उसे माना ही जाता है। और अवैध लॉटरी का सेंटर किस तरीके से यहाँ पे शुरू है, जिसे आप देख भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि BCN हमेशा से लगातार लोगों को बताते रहा है कि अवैध लॉटरी पे BCN एक मुहिम छेड़ रहा है, जिसपे गरीब, सामान्य, पीड़ित, शोषित लोग और पीड़ित ना हो और गरीब ना हो, जिसके बारे में ये बताया जाता है और जिसको लेकर के हम लगातार बता रहे हैं। नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हम लगातार अवैध लॉटरी के खुलासे लगातार अब तक कर रहे हैं, और इसके बाद भी अवैध लॉटरी के खुलासे हम करते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आप बने रहे, और यहाँ के पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, किस तरीके से अवैध काम खुलेआम चल रहे हैं, इस पे अपने आप में एक बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंह।